कपूर टीवी। उसका बांस का घर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। गौरी का बांस का घर तो देखो, इसके सामने तो ठाकुर की हवेली भी पानी भरती नजर आवे है। गरीब बहू का बांस घर, ये कहानी है बांस के अनूठे आइटम बनाने वाली गौरी की। गौरी गांव के बाजार में बांस से तरह तरह के आइटम बनाकर बेचा करती थी। बर्तन, टोपियां, चटाई, बच्चों के लिए खिलौने आदि सब मिलेंगे, आओ ले लो। गौरी के बनाए स्पेशल बैम्बू आइटम ले लो। ए गौरी, ये टोपी कितने का दिया बहन? ज्यादा का नहीं, बस 50 रुपया का है, ले लो। ठीक है तो दे दो। एक दिन गौरी बाजार में आकर अपनी दुकान लगा ही रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और उसमें से घनश्याम चौरसिया बाहर आता है। घनश्याम चौरसिया जिला हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अधिकारी था और गौरी के हस्तशिल्प के हुनर के बारे में अच्छे से जानता था। वो गौरी को एक खुशखबरी सुनाते हुए कहता है, गौरी, अगले महीने हस्तशिल्प मेला लगने वाला है और हम चाहते हैं कि इस बार तुम भी इसमें भाग लो। सच साहब, क्या इसमें मेरी अच्छी आमदनी हो जाएगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। देखना, तुम्हारा माल हाथों हाथ बिक जाएगा और 1 लाख का इनाम भी तुम्ही को मिलेगा। फिर तो मेले में अपनी दुकान जरूर लगाऊंगी साहब। मगर इस दुनिया में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो किस्मत और हालात कराते हैं। गौरी के बगल में ही बांस की चीजें बेचने वाली कस्तूरी पटरानी जब हस्तशिल्प मेले और 1 लाख रुपए इनाम की बात सुनती है तो बौखला उठती है। ससुर की नाती कि 1 लाख का इनाम लेगी और वो भी कस्तूरी पटरानी के होते, इतर लगाए के ये तो कभी ना हो सकत। वो ठाकुर दुर्जन किस दिन काम आवेगा इतर लगाए के, इसे तो मैं बताती हूँ। कस्तूरी पटरानी गांव के ठाकुर दुर्जन सिंह की खास लौंडी थी और दुर्जन सिंह उसकी हर बात मानता था। इसीलिए वो फटाक से दुर्जन सिंह की हवेली पर पहुंच जाती है और उनको सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह कहता है, बहन की आँख, तू जो चाहती है वो बता। हम तो ये चाहत रही कि वो गौरी मेला में दुकान ना ही लगाए और वो 1 लाख का इनाम हमका मिल जावे इतर लगाए के। बहन की आँख, बस इतनी सी बात? चल हंस कर दिखा, तेरा काम हो जाएगा। एक दिन ठाकुर दुर्जन सिंह की गाड़ी सीधे गौरी के घर के सामने जाकर रुकती है। ठाकुर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और गौरी का ससुर हरिया दरवाजा खोलता है। अरे ठाकुर साहब, आप और मुझ गरीब के घर, कहिए क्या हुक्म है? बहन की आँख, तेरी बहू गौरी कहाँ है बे? हरिया उर्फ हरीराम, कोई गलती हो गई क्या मालिक? हरिया की ये बात सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह कहता है, बहन की आँख, अभी तक तो गलती हुई नहीं है मगर होने वाली है, तेरी बहू गलती करने जा रही है। कौन सी गलती मालिक, जरा मैं भी तो जानू। हरिया के ये पूछने पर ठाकुर दुर्जन सिंह उसे सारी बात बताते हुए सख्त चेतावनी देता है, बहन की आँख, देख लो हरिया, अगर तेरी बहू ने उस हस्तशिल्प मेले में दुकान खोली तो तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल कर ही दम लूंगा। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा ठाकुर साहब, मैं उस मेले के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा उसे। बहन की आँख, यही करना हरिया उर्फ हरीराम, नहीं तो हर्ष बुरा होगा। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन हरिया अपनी बहू गौरी को समझाते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए बहू, पर मैं तुम्हें उस हस्तशिल्प मेले में दुकान कभी नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि ठाकुर के खिलाफ जाने का मतलब मौत है मौत। पर ये गौरी मौत मौत से नहीं डरती बाबूजी, मैं मेले में जरूर दुकान लगाऊंगी। कुछ दिन बाद गांव में हस्तशिल्प मेला लगता है। शीना, ओ शीना बेटी, कहाँ गई? मेरे साथ मेले में दुकान लगाने नहीं चलना क्या? चलना है ना मम्मी, मुझे भी चलना है। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर हरिया कहता है, ठाकुर दुर्जन सिंह के कहर से बचना है तो मेले में मत जाओ बेटी। अरे कुछ नहीं होता बाबूजी, ठाकुर की सूखी धशखड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। हरिया के मना करने पर भी गौरी मेले में दुकान लगाने से बाज नहीं आती। वो मेले में दुकान लगाती है और उसकी दुकान खूब चलती है।
वाओ, बांबू हाथ, कितना अच्छा झोपड़ी बनाया है। ये सब हमरे हाथों का कमाल है बीबी जी, तुम सच में बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। हस्तशिल्प मेले में गौरी की खूब वाहवाही होती है और अंत में सबसे अच्छे हस्तशिल्प का इनाम भी उसी को मिलता है। मैं कहता था ना कि 1 लाख का इनाम भी तुम्ही को मिलेगा। लो, ये पूरे 1 लाख का चेक है। धन्यवाद साहिब, आप सबने मेरे हस्तशिल्प की कदर की। हस्तशिल्प मेले में गौरी की इस कामयाबी पर कस्तूरी पटरानी के तन बदन में आग लग जाती है और उसे ठाकुर दुर्जन सिंह पर बहुत गुस्सा आता है। वो ठाकुर की हवेली में जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बहन की आँख, जो तू चाहती है वो हो जाएगा, यही बोला था ना तुमने ठाकुर, पर अब हुआ तो नहीं। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? अब बोलने को बचा ही का है ठाकुर, वो गौरी ने तो तोरे मना करने पर भी हस्तशिल्प मेला में दुकान लगाई और पूरा 1 लाख इनाम भी पा गई। समझ ले, तेरी तो पूरी बेइज्जती कर दी इत्र लगाए के। ये सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह को गौरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बहन की आँख, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे मना करने पर भी दुकान लगाने से नहीं मानी, अब तो उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठाकुर बड़ा घमंडी और बदमाश टाइप का आदमी था, अपने घमंड पर जरा भी ठेस उससे सहन नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो गौरी से गहरी दुश्मनी करने लगता है और एक रात अपने आदमियों से कहता है, बहन की आँख, उस गौरी को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। चल बेगालिया, गाड़ी निकाल और अपने आदमियों को तैयार कर। ये कहकर ठाकुर दुर्जन सिंह की गाड़ी गौरी के घर पर पहुंच जाती है, मगर उस रात घर पर कोई नहीं होता, सब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। क्या करे सरकार, घर पर तो कोई नहीं है। बहन की आँख, घर तो है ना, इसी को चला के निकल लो, घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ, खुद ही गांव छोड़ जाएंगे। ठाकुर दुर्जन सिंह के ये कहते ही उसके आदमी गौरी के घर में आग लगा देते हैं और घर आग में जलकर राख हो जाता है। जब गौरी गांव में लौट कर आती है तो घर की जगह राख का ढेर देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। सत्यानाश हो उसका जिसने हमारे घर को राख का ढेर बना दिया। बहू, मैंने तुझे समझाया तो था कि ठाकुर की बात मान ले, पर तूने नहीं मानी। पर अब क्या होगा बापू? गौरी की ये बात सुनकर हरिया उसे समझाता है कि अब उनके गांव को छोड़कर कहीं और जगह बसाने में उसकी भलाई है, क्योंकि अब ठाकुर उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आएगा। मगर गौरी हरिया की बात नहीं मानती, वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है, हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे बापू, उस ठाकुर को जो करना है कर ले। गौरी हिम्मती और मेहनती औरत थी, साथ ही उसके पास बांस से तरह तरह की झोपड़ी बनाने का हुनर भी गजब का था, इसीलिए वो दिन रात एक करके बांस का बहुत ही सुंदर घर बनाती है। उसका बांस का घर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। गौरी का बांस का घर तो देखो, इसके सामने तो ठाकुर की हवेली भी पानी भरती नजर आवे है। गौरी के हुनर और बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी बहनों, अकेली ने ठाकुर के घमंड को धूल चटा दी धूल। कस्तूरी पटरानी जब गौरी के बांस के घर को देखती है तो जल भुन कर रह जाती है। है तो मेरी दुश्मन, पर फिर भी इसके हुनर को तो मानना ही पड़ेगा, बांस का घर नहीं बल्कि बांस का महल बना दिया है, महल। समय बीतता जाता है और गौरी के बांस घर की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लग जाती है। इसी बीच एक दिन शमशेर नाम का एक आदमी गौरी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई दरवाजा खोलो भाई। गौरी दरवाजा खोलती है। आपको किससे मिलना है? मुझे गौरी देवी से मिलना है। कहिए, मैं ही गौरा देवी हूँ। ये सुनकर शमशेर गौरी से कहता है, देखिए मैं एक मनोरंजन पार्क कम रिजॉर्ट बनवा रहा हूँ और मुझे बैम्बू हट्स बनवाने के लिए आपकी जरूरत है, क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगी मोहतरमा? काम तो ये कर देगी, पर पैसा कितना मिलेगा? 100 हट्स बनानी है, मैं 1 हट बनाने का 5,000 दूंगा और सारा माल भी मेरा ही होगा, अगर मंजूर हो तो ये 1 लाख एडवांस ले लो। ये सुनकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो शमशेर से 1 लाख रुपए एडवांस लेकर उसके लिए बांस की झोपड़ियां बनाने लगती है और फिर कुछ ही सालों में बांस के घर बनाने वाली मशहूर डिजाइनर बन जाती है। उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ जाता है।
और उधर ठाकुर दुर्जन सिंह अपने अपराधों के चलते एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।